हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं या जो अपने मन की बात शेयर करने वाले हैं, वो मैं काफ़ी सोच रही थी कि मैं कैसे शेयर करूं, पर फिर मुझे लगा कि ये मेरी फैमिली है, एक ऐसी फैमिली है जो वर्चुअल फैमिली है, साथ में नहीं होती है हमेशा, पर एक उनकी बातें, उनका जो सपोर्ट होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो आज की जो बात है वो ये है कि मैं इंडिया गई थी और अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और बहुत अच्छा रहा, सबके साथ मिलना बहुत अच्छा रहा। अब उसमें क्या अच्छा नहीं था, तो वो ये अच्छा नहीं था कि हो सकता है कि ये वीडियो बनाते टाइम मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो नाउ ये हुआ कि 26 मार्च 2021 को शाम को एक फ़ोन आया मेरे पास, और वो मेरे भाई का फ़ोन था, और उसमें 26 मार्च 2021 को शाम को मुझे पता चला मेरे भाई से कि हमारी जो मम्मी हैं वो नहीं रहीं। तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, और वो हर किसी के लिए हार्ट ब्रेकिंग होता है, ये बहुत मुश्किल मोमेंट होते हैं। तो अब फ़ोन सुना और पता चला ऐसा, तो फिर समझ नहीं आया कुछ। और आप सभी को पता है कि 2020 में कोविड का पैंडेमिक हुआ था, और उसके बाद सब कुछ मुश्किल हो गया था, लाइफ जो है वो पहले जैसी नहीं रही थी। तो जब मम्मी गई 26 मार्च 2021 को, तो मेरा जो बेटा है छोटा वाला, वो सिर्फ 3 महीने का था यहाँ चाइना में, और ट्रैवल करना और भी बहुत सारी सर्कमटेंसेस थी कि जाना पॉसिबल नहीं हुआ। और अब क्या कहें, मतलब शायद हमारा जो भाग्य है उसमें ये लिखा था कि हम नहीं मिल पाएंगे अपनी मम्मी से, कि जिन्होंने मतलब हमको लाया है इस दुनिया में, हम नहीं मिल पाएंगे। तो वो हुआ, तो वो मुझे शेयर करना इसलिए ज़रूरी लग रहा है क्योंकि मैं उज्जैन गई, मैं अपने घर गई, तो वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा था, पर वही है ना, हम जब आए थे चाइना तो हम मम्मी थी हमारी, और हम जब गए इंडिया में तो मम्मी नहीं थी, तो वो एक बहुत बड़ा वॉइड था, एक बहुत बड़ी मतलब क्षति थी कि हमको अपनी मम्मी नहीं मिली। और 2 साल के बाद मैं गई, मतलब 2021 के बाद मैं अभी 23 में गई हूँ, तो वो बहुत यहाँ पे मैं थी तब भी मुझे मम्मी बहुत याद आती थी, और पूरी जो लाइफ है वो याद आएंगी, पर अपनी फैमिली से मैं पहली बार मिली जबकि मेरी मम्मी नहीं थी, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा मेरे लिए। अब इसमें मतलब मैं क्या बातें करना चाहती हूँ, तो ये एक हार्ट ब्रेकिंग जिसमें दिल टूट जाता है, जिसमें कि हम पूरी ज़िंदगी, जिससे हम हमारी ज़िंदगी बनी है, हम उनको खो देते हैं, और खोने के बाद हम उनसे नहीं मिल पाते हैं, वो एक बहुत बड़ा दुख है। मम्मी गई, वो कोविड से नहीं गई थी, एक ये बात है कि उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, पर वो कोविड से नहीं गई, उनको अचानक से हार्ट अटैक हुआ था, और अचानक से हार्ट अटैक हुआ, किसी को भी पता नहीं चला, हम लोग भी बस विद इन 5 to 10 मिनट दिस हैपन, और तो बात भी नहीं हुई, सुबह बात हुई और शाम को हमको ये पता चला, सुबह मम्मी से हमने अच्छी बात की और शाम को इस तरह की खबर मिलती है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं इंडिया गई, इंडिया जाने में, चाइना से लेके इंडिया जाने तक मेरे दिल में मतलब होता है कि हम खुश, अभी तक मैं जब भी इंडिया जाती थी मैं बहुत खुश जाती थी, मतलब हर खुशी खुशी खुशी, पर इस बार मैं जब इंडिया गई तो वो इमोशंस ऐसे थे कि खुशी भी थी और दुख भी था, मतलब खुशी ये थी कि मैं अपनी फैमिली से मिलूंगी, और दुख ये था कि उस फैमिली में अब मेरी मम्मी मुझे नहीं मिलेंगी, तो ये कुछ दुख थे और बहुत मतलब परेशानी वाले लम्हे थे। और ये कुछ ऐसे मतलब
वॉइड्स हैं, एक ऐसे हमारी हमारे जीवन में जो खालीपन होता है जो कि आसानी से नहीं भर सकता या शायद कभी भी नहीं भरता है, ये हम जब तक रहेंगे तब तक हमारे साथ रहेगा। पर यह ज़रूर है कि माँ जो होती है वो, जो मेरा अनुभव है, जो मैं फील करती हूँ कि वो कहीं भी नहीं जाती है, वो हमेशा हमारे साथ होती है। तो हम अपनी फैमिली से मिलते हैं और वो मिलना इस बार ऐसा था कि खुशी भी थी और दुख भी था। मैंने चाइना से निकलने से पहले जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने कहा भी था कि मतलब ये एक ऐसी ट्रिप है जिसमें खुशी है जाने की और दुख भी है कि हमें कोई अपना है जो अब नहीं मिलने वाला है, तो ये एक दुख था। और साथ ही साथ खुशी ये रही कि हमारी परिवार, मेरा पूरी फैमिली, मेरे पापा, भाई, भाभी, बच्चे, सभी ने मतलब इतना प्यार दिया और हम सभी ने मिलके मम्मी की जो मेमोरीज़ हैं उनको याद किया, उनको साथ में फील किया। तो उन मम्मी की सारी मेमोरीज़, मम्मी की बातें जो हमने याद की, उसके बाद ऐसा लगा कि दिल थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि 2 साल नहीं मिलने के बाद जब हम मिलते हैं एक दिल भरा हुआ रहता है, और उसके बाद जब हम मिल लेते हैं अपने जिन, जैसे अपना भाई है, अपनी भाभी है, पापा है, तो सब में मतलब कहीं ना कहीं, आज मैं हूँ, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं मेरी माँ है, मेरे बच्चों में भी कहीं ना कहीं माँ है, तो वहाँ भी हर घर के कोने में, पापा में, भाई में, भाभी, बच्चों, सब में कहीं ना कहीं मम्मी थी, और सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और सॉरी, थोड़ा सा इट इज़ हार्ड टू शेयर, बट यस। और बस यही है, एक छोटी सी चीज़ मैंने देखी है और मैं सोच रही हूँ बोलने के लिए कि टू माई मदर इन हेवन, थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग मी एंड गाइडिंग मी, इवन दो यू आर नो लॉन्गर हियर विद मी, आई कैन स्टिल फील योर लव गाइडिंग मी, यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट, आई लव यू एंड मिस यू डियरली। तो बस यही है, इन्हीं मेमोरीज़ के साथ, इन्हीं परिवार के साथ जो समय बिताया और खुशियाँ बिताई, मम्मी की यादों को ताज़ा किया, उन गली मोहल्लों में मैं घूमी, तो कहीं ना कहीं मम्मी के साथ ही फील हुआ। और बस यही है कि माँ कहीं भी नहीं जाती, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबके मम्मी पापा को लंबी उम्र दे, वो बहुत खुश रहें, भगवान उनको लॉन्ग लाइफ से ब्लेस करें। ये जो वीडियो है हमने किसी भी तरीके से किसी प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई है, बस एक दिल की बात थी जो अपने YouTube फैमिली के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मैं इंडिया के एक व्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जाने वाला, और उसके बाद के सारे व्लॉग्स अपलोड करने के पहले मैं ये शेयर करना चाहती थी, विद आवर हैवी हार्ट, विद माई हैवी हार्ट, और वही मैंने शेयर किया है कि दिस टाइम इट वॉज़ हार्ड टू गो टू इंडिया बिकॉज आई डिडेंट गेट माई मॉम, सो इट वॉज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। और इन सब में मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी मदर इन लॉ, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि मदर इन लॉ मिली तो इट वाज़ वेरी सपोर्टिव, उनके साथ ऐसा लगा कि जैसे हम अपनी माँ के साथ हैं। तो बस यही बात, आप कुछ कमेंट शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और बस भगवान से इसी प्रार्थना के साथ कि सभी के मम्मी पापा खुश रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, आज के व्लॉग को मैं ख़त्म करती हूँ। आई वॉज़ लिटिल इमोशनल, पर सॉरी मैं उसको रोक नहीं पाई। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।